मस्ती का फंडा, दोस्ती का फंदा, सब चलता रहता गंदा ये धंधा। वो तेरी वाली, वो मेरी वाली, कैसा ये लफड़ा कोई ना समझा। यार कसम से मजा आ गया था, वो शॉपकीपर तो पागल हो गया था जब शेजी ने उसकी शर्ट में से इतने ज्यादा नुक्स निकाली। हाँ ना यार, वो भी तो 100 रुपए वाली शर्ट की 2000 रुपए मांग रहा था। शेजी अब वो 200 रुपए वाली भी नहीं थी। माना यार तुम्हारी च्वाइस थी, मगर थी तो 100 रुपए वाली ही। वैसे शेजी ना जब भी मार्केट जाओ ना हमेशा शर्मिंदा करवाता है। क्यों शर्मिंदा भाई, मैं क्या कभी किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया हूँ? बेटे आप ना औरतों से दो हाथ आगे हो बार्गेनिंग करने में। मेरा मतलब आप दोनों तो लड़की है ना, मैं उन औरतों की बात करूं जो 1000 वाली चीज 500 में लेके भी कहती हैं, हाय महंगी ले आई हैं। ऊपर से माशाल्लाह से शेजी, दुकानदार कहता है 1000 रुपया, माशाल्लाह से भाई कहते हैं 200 रुपया। हाँ तो 400 में खरीद कर भी लाता हूँ ना। वैसे बार्गेनिंग करना भी ना एक आर्ट है, मुझसे तो नहीं होता भाई ये सब। भाई शेजी तो चैंपियन है, आज मैंने देख लिया। वैसे सारा अगर तुम्हें इत्तेफाक से मार्केट जाना हो ना तो शेजी के साथ ही जाना। हाँ मगर तुम्हें भी अरसला की तरह गोलगप्पे और चाट खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ खिला दूंगी भाई, जहर भी खिला दूंगी। अच्छा वैसे ये बड़ा खामोश बैठा है मगर इसकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। रहने दो, इसके साथ कौन जाएगा, इससे बेहतर है कि इंसान घर में ही बैठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रही विकी, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं बस अपने पापा के बिजनेस के साथ जुड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं अपना खुद का काम करूँ। मेरी बात सुनो, अपना बिजनेस शुरू करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क तो है ना। तुम्हारे पापा का जमा जमाए बिजनेस है, जितनी मेहनत की जरूरत थी वो कर चुके हैं, तुम्हें तो बस उसे आगे बढ़ाना है। मैम वो सब तो ठीक है लेकिन स्क्रैप का बिजनेस? अरे वो कबाड़िए थोड़ी है, शिप ब्रेकिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई। मैम मैं ना आपकी तरह ना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो तो तुम साथ में भी कर सकते हो, इसमें कौन सा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। रियली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो आप क्या मुझे सिखाएंगी कि ऑनलाइन बिजनेस करते कैसे? बिल्कुल मैं सिखा दूंगी। अरे वाह थैंक यू सो मच मैम, आज आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। मूड अच्छा है, गाड़ी मांग लेता हूँ। गाड़ी मिल सकती है थोड़ी देर के लिए? शट अप, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। जलील हो गए। हेलो क्यों? अच्छा ठीक है मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहुत जोर से प्लीज। क्या करूं मैं इनका? यार विकी तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तुम्हें? नहीं मगर क्यों? यार विकी एक मसला है। जल्दी बता शेजी क्यों इतनी टेंशन दे रहा है, हुआ क्या है? ये हुआ है।
ये कौन है? इसको वीजा कहां से मिला? तेरे पास पैसे कहां से आए इतने? अबे ये वो नहीं है। वो नहीं है तो ये कौन है? बच्ची है मेरी। बच्ची? ये तो अच्छी खासी बड़ी है। अबे पूछू, बच्ची मतलब गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड किसकी? आई किसके साथ है? तेरे साथ। तो गर्लफ्रेंड किसकी हुई? मुझे क्या बताओ। अरे भाई इतना घबराया हुआ क्यों है? यार शहजी तू लड़की को लेकर घर पर आ गया? हाँ, तो और कहाँ लेकर जाता? ये क्या? अबे पागल है क्या? अपने भाई पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। बताया ना गर्लफ्रेंड है मेरी, यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की? लेकिन तू यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ मेरे और लॉन्डो के साथ घूमता है, मैंने तो इसे आज तक नहीं देखा। अरे भाई ये तुझसे चुप कर हुआ है, अब प्लीज कुछ कर, मुझे अंदर जाना है। वो तो मेरे भाई कहीं बाहर ले जाता ना, घर पर क्यों ले आया? सब है। अरे भाई बाहर ले जाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। यार तू एक काम कर, इसे पहले छोड़ कर आ। ऐसे कैसे छोड़ के आऊं? अब तो आ गए हैं, मुझे अंदर जाना है। यार मुझे क्या धूप में खड़ा करके खुद यहाँ बातें करने आए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बस दोस्त की खैरियत पूछ रहा था। इतनी लंबी खैरियत? हाँ बस हो गई। तुमने खाना खिलाना था मुझे, इतनी भूख लग रही है यार। हाँ हाँ खाना खिलाऊंगा, ये विकी है ना बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं खाना बनाऊंगा? अबे ऑर्डर कर देना ना, मैं झूठ बोल लूंगा कि तूने बनाया। वाह क्या बात है तेरी। चलना यार प्लीज, कमरे तक पहुंचने का कोई सीन तो बना प्लीज। शहजी तू ना मरवाएगा भाई मेरा भाई। ऐसे आपका नाम क्या है? हसीना। अंदर ले गया। अबे पक्का ना यहाँ कोई नहीं है? हाँ हाँ कोई भी नहीं है, कोई नजर आ रहा है? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? लस्सी पीने गए थे। हैं? मगर विकी आप तो मीठा पीते ही नहीं हो, क्या नमक वाली लस्सी पी ली आपने? नहीं नहीं वो मैंने लस्सी में चाय मेरा मतलब मैं चाय पी के आ रहा हूँ। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं बाहर झाड़ू लगाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं बाहर सब कुछ साफ है। ऐसे कैसे, मैंने तो कल झाड़ू दी थी वहाँ पर। वो असल में ना सुबह बाहर कचरा बहुत ज्यादा था तो शहजी ने ना झाड़ू दे दी थी। क्या बाजी को मालूम है ये बात? नहीं क्यों बताना है? नहीं 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 बाजी को मत बताइएगा प्लीज, वरना वो मेरा सर तोड़ देंगी। तो ठीक है तुम किचन में जाओ और 2-3 घंटे तक बाहर नहीं निकलना। हैं? मगर 3 घंटे में करूंगी क्या वहाँ? अरे कुछ भी कर लेना, बर्तन धो लेना, गंदे हो जाए फिर धो लेना, फिर गंदे हो जाए फिर धो लेना। कंट्रोल हौसला रख। ओके ओके। तू कह रहा था या कोई नहीं है? मुझे क्या पता था ये टपक पड़ेगी, ये आने वाली मुसीबत ये है। चलो अबे अब क्या करना है? देख करना क्या है, चुपचाप कमरे तक पहुंचना और अंदर घुस जाना। मतलब मैं भी अंदर जाऊंगा? ये क्यों आएगा हमारे साथ? हाँ तू क्यों जाएगा? तू बाहर पहरा देगा ताकि हम दोनों पकड़े नहीं जाए। वाह शिकारी शिकार करे और मोतिया बाहर फेरे। तू मेरा दोस्त नहीं है। चुप कर चल अंदर। आओ सर। विक्की ये क्या हो रहा है चोरी छुपे? अरे नहीं मैम, चोरी छुपे तो रात के अंधेरे में होता है, अभी तो भाई दिन रोशन हो रहा है। हाँ मगर ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की है? जो तुम दोनों के पीछे छुपी हुई है। मैम ये विक्की की कजन है। विक्की की कजन? जी ये मेरी फुप्पो की बेटी है। तुमने तो कहा था तुम्हारी सारी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। सिर्फ यही कराची में रहती है, अकेली थी मिलने चली आई। क्या नाम है इसका? समीना। हसीना। समीना या हसीना? कमाल है अपनी गजनकार नाम ही भूल गए तुम।
नहीं, वो असल में बात क्या है कि शादी से पहले ना इसका नाम समीना था, शादी के बाद इसका नाम हसीना हो गया। क्या लोग शादी के बाद सरनेम बदलते हैं? इसका पूरा नाम भी बदल गया? मैं बोलूं? हाँ हाँ, ये बोल भी सकती है। बोलो। दरअसल मेरा नाम समीना था, क्योंकि मुझे राज नहीं आया, मैं बार बार मैट्रिक में फेल हो रही थी, इसलिए मैंने अपना नाम हसीना रख दिया। अच्छा, फिर हो गया मैट्रिक? नहीं, एक बार फेल हो गए तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अरे तो बच्चे, नाम का मसला तो नहीं था ना? अच्छा चलो तुम मेरे साथ। आपके साथ क्यों? मेरे साथ चलकर ड्राइंग रूम में बैठो नीचे। नहीं 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 मैम, आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? ये यहाँ हमारे साथ रूम में बैठ जाएगी। जी नहीं, अकेली लड़की तुम लोगों के साथ कमरे में नहीं जाएगी, चलो तुम मेरे साथ। अरे ओ जेवीर, गजल है हाँ? बेटा अभी तो नीचे जाओ, तुम लोगों को तो ना बाद में पूछते। गजल जाओ। जी जी। इसको देखा है कहीं? आज तो बच गए यार। अबे कच्चा चबाएगा क्या? घूरना बंद कर। दिल तो मेरा यही कर रहा है कि तुझे कच्चा चबा जाऊं। शहजी आज जो बेइज्जती हुई है ना, डूब के मरने के अलावा ना हमारे पास कोई ऑप्शन ही बचा था। अबे ओ नेक परी धाड़ी वाली, तू खुद पकड़ा जा चुका है इन हरकतों पे। मेरा तो फर्स्ट टाइम था यार। यार मेरा ना कोई सबूत नहीं था, बस किसी की मुखबरी या शक था, और माशाल्लाह से आप पूरे सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हो। आज डिग्गी में से ना लाश निकलनी थी। अच्छा चल, सॉरी ना यार, बहुत जिद कर रही थी कि चल कर कहीं बैठते हैं। अब उसने भी तौबा कर ली होगी। मैं ना कल 10 गरीबों को ना खाना खिलाऊंगा। कंजूस, कम से कम 20 तो कर ले। चुप कर, बड़ी मुश्किल से बचे हैं आज। लगता है वापस आ गई। जी कौन? हाँ भाई, कजन पहुंच गई तुम लोगों के घर। कमाल भाई, वो मेरी कजन नहीं थी, इसकी थी। अबे चुप कर, मुझे बेवकूफ समझते हो? बेटा उड़ती हुई चिड़िया के ना पर गिन सकता हूँ मैं। तो फिर तो आपको उस चिड़िया के साथ उड़ना पड़ता होगा। अबे ओ परी दाढ़ी वाली। ये मुहावरा ना तेज नजर के लिए इस्तेमाल होता है बावले। अच्छा खैर, कितने में लेकर आए थे? कसम से मैं नहीं जानता था उसको, ये लेके आया था। अच्छा खैर, जो भी थी, आज तो ये हरकत कर दी तुम लोगों ने, आज के बाद ये हरकत मत कर। घर में दो लड़कियां भी रहती हैं, कोई ख्याल करो। ओके बढ़ाया, खुलेआम आंटी के साथ चक्कर चला रहे, उसके मुंह में निवाले भी डाल रहे, और आगे हमें नसीहत कर रहे। गाड़ी वाली परी नंबर 2 अपनी दर्द ना टेस्ट मैच की किट पहन के आया। दो। ओहो, एक आ गया। मेरी ये वाली पक्की कोठे से पिट रही थी, तूने तो देखा ही नहीं। गलती हो गई। अब तो हो गई। 5 I am the winner. अरे अर्सला, तुमने बताया नहीं वो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हाँ वो तो ठीक चल रहा है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? हाँ बस ठीक चल रही है। अच्छा यार वो अच्छा सुनो यार, मुझे अपना फोन दे सकती हो? एक्चुअली ना मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करके ना क्लास का पूछना है, मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, ले लो, कर लो बात। मैं अपना फोन ना सोफे पे बाहर भुलाई हूँ, एक काम कर दोगी?
मेरा फोन ला दोगी प्लीज बाहर से? अबे यार, अच्छा ला कर देती हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारा फोन तो मेरा नहीं। अरे मैं भूल गई थी, वो यही था मेरे पास। ओ अच्छा अच्छा तो कर लो फोन। नहीं अब जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं अरसला? हाँ पूछो। सच सच बताओगी? हाँ हाँ पूछो। तुम शेजी को पसंद करती हो ना? क्या नहीं तो? मैंने कहा सच बताना। यार हाँ मुझे शेजी बहुत पसंद है। क्या शेजी भी तुम्हें पसंद करता है? यार वैसे लगता तो यही है। यार दुआ करो कि शेजी भी मुझे पसंद करता हो। अगर मुझे शेजी मिल गया ना तो लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया। मैं दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें तुम्हारा मन चाहा साथी भी मिल जाए। थैंक यू सो मच मेरी जान, आई लव यू। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू टू। कमरे में भी नहीं है विकी। सुन विकी, यहाँ है तू? यहाँ भी नहीं है। पागल कहाँ चला गया? ओह, किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया मेरे यार को? अगवा पर आए तावान। मेरा यार विकी। हाँ शेजी। हाँ विकी, किसने अगवा किया तुझे? बता कहाँ है तू? कहाँ रखा है? कोई निशानी बता, कोई लारी अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन, कोई जहाज अड्डा, कहाँ रखा है तू? अबे दिखने में कैसे? लंबे चौड़े, काले मोटे, नीले पीले, मुझे बता, मैं अभी आ जाता हूँ तुझे छुड़वाने। छुड़ी थले साल है, मैं आप फोन चुकी है, की हो गया? आप फोन तो तूने ही उठाया। यार मैं अगवा नहीं हुआ, मैं घर पहुंच गया हूँ। यार मगर तू कहाँ चला गया था? अभी अंदर कमरे में आकर बताता हूँ ना, फोन रख। ओके। अबे तू कोई पागल वागल तो नहीं है? कहाँ गया था तू? अरे भाई। क्या भाई? इतनी देर मैंने तेरे इंतजार की यूनिवर्सिटी के बाहर, तुझे पता नहीं जमाना कितना खराब है? हो गया तेरा? हाँ हाँ हो गया। अच्छा फिर सॉरी। ये ले बस सॉरी। कहाँ गया था तू? मार्केट गया था मैं कुछ लेने के लिए। मार्केट गया था? मुझे बताया भी नहीं। यार शेजी मुझे प्यार हो गया दुकानदार से। पागल हो गए? तुम मार्केट क्या प्यार खरीदने गया था? नहीं ये लेने गया था। अंगूठी? मतलब मामला सीरियस है? हाँ यार शेजी मुझे बहुत प्यार हो गया है। मगर किससे? मुझे तो पता, जल्दी से। तेरे अम्मा अब्बा से मैं बात करूं या तू खुद बात करेगा? वो तू बात करेगा उनसे। नाम तो बता भाभी का। अरसला। अरसला? अपनी अरसला? यार मुझे उसे बहुत मोहब्बत हो गई है। अबे लग गई। और तेरी तो दोस्त है ना? यार तू बता हमारा कपल आपस में कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यार अगर वो मुझे पसंद नहीं करती हुई तो? क्यों नहीं करेगी तुझे पसंद वो? कौन सी कमी है मेरे यार में? लाखों में एक है तू। सच में यार तू मेरा पक्का दोस्त है यार। दोस्त तो हूं मगर सुन, तू उसे अभी प्रपोज मत कर जब तक मैं ना कहूं। क्यों? पहले मुझे मामलात का जायजा लेने दे, जब मैं कहूंगा तब करना। अबे वहां कहां जा रहे? ओह सॉरी सॉरी। अरसला मस्ती का फंडा, दोस्ती का फंडा, सब चलता रहता गंदा।
का ये धंधा, वो तेरी वाली वो मेरी वाली, कैसा ये लफड़ा कोई ना समझा, दोनों नशीले कर दे सबको हॉट हॉट, आंटी के भी है पड़े निराले शौक शौक।